सो हेलो गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए व्लॉग में। आज मैं जिस जगह आया हूँ उसका नाम है चूलगिरी। चूलगिरी वैसे मैं पहले भी आ रहा हूँ, एक मैंने पहले भी व्लॉग किया था पर वो व्लॉग इतना अच्छा नहीं था, मैं कैमरे से व्लॉग कर रहा हूँ। तो अभी मैं चूलगिरी दिगंबर जैन मंदिर में आया हूँ। एक है सड़क मार्ग जो रोड वाला है, एक है ये सीढ़ियों वाला। तो आज जैसा कि जयपुर में मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है यार, धूप नहीं है, कल का टेम्परेचर कुल 40 डिग्री चला गया था। तो इस सीढ़ियों वाले वे से मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर से व्यू आपको दिखाऊँगा। मेरे को ये तो पता है कि मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करने नहीं देते, तो मैं सीढ़ियों का रास्ता दिखा दूँ और मंदिर के बारे में आपको थोड़ा कुछ जानकारी दे दूँगा रास्ते में। तो चलो चलते हैं यार। तो यार अभी हमारी आधी ही चढ़ाई पूरी हुई है और यहाँ का जो व्यू दिख रहा है ना भाई, बहुत सही व्यू है यहाँ पे। हमने अभी थोड़ी सी चढ़ाई, ज़्यादा हमने चढ़ाई करी भी नहीं है, पर व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ का व्यू आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी हम अपने बस रास्ते में चल रहे हैं और एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है सौरभ, कि यहाँ पे सफाई बहुत है यार, सफाई का बहुत ध्यान रखा है। यहाँ तो यार देखो ज़्यादा लोग आते नहीं है इस रास्ते से क्योंकि गाड़ी वाले से आते हैं, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे सफाई बहुत है, हमारे सीढ़ियों में कचरा नहीं दिख रहा है। और एक ये है कि मौसम बहुत बढ़िया है, तो आज ऐसा घूमने का ना मनसा कर रहा है, अच्छा लग रहा है, धूप नहीं है। वैसे क्या जयपुर में बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा क्या धीरे बोल रहा हूँ, मंदिर है ना ये पीछे ऊपर, ये यहाँ पे मंदिर है। और अभी मैं देखता हूँ, मंदिर में तो रिकॉर्डिंग करने नहीं देंगे। ये पहाड़ आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये ऊपर जो है ये मंदिर है, ये जो है ये मंदिर का दरवाज़ा है और ये पूरा मंदिर है। इसके आगे मैं शूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इधर अलाउड नहीं है। मैं तो आपको तो अगर थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ, वैसे अलाउड तो इन्होंने करा नहीं है। ये जो है ये बेसिकली पूरा मंदिर है, बहुत पुराना बना हुआ है ये मंदिर। वो सीढ़ियाँ ऑल द वे अप जाती हैं, पर इसके बाद देख सकते हैं गेट आ गया, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सॉरी। अगर आपको देखना है तो इस फुटेज के बाद मैं ना थोड़ी सी स्टॉक फुटेज नेट से लेके वो लगा देता हूँ जो मंदिर के अंदर शूट की हुई है, उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो भाई लोग, हमने दर्शन तो कर लिए, अंदर हमको अलाउड कर दिया, पर कैमरा जो है वो अलाउड नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो देखो दो चीज़ें ध्यान रखो कि कैमरा ना अंदर फ़ोन है ना DSLR अलाउड है, अलाउड तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे पार्किंग की बहुत सुविधा नहीं है। अगर पैदल रास्ते से आ रहे हो तो गाड़ी नीचे खड़ी करनी पड़ेगी और नीचे आपको किसी को बोलना पड़ेगा कि यार हमारी गाड़ी का ध्यान रख लो, पार्किंग की सुविधा नहीं है यहाँ पर। पर अगर आप रोड वाले रास्ते से आएंगे ना, तो यहाँ पर पार्किंग की आपको सुविधा जो है वो मिल जाएगी। तो बस यार यही था पूरा चूलगिरी का व्लॉग, और आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने स्टॉक फुटेज डाली थी अभी बीच में दिखाई थी, उससे कुछ समझ में आया कि अंदर क्या है। बाकी मैं पक्का रिकमेंड करता हूँ इस जगह पे आना, और हो सकता है तो आप ठंड के मौसम में आइए, आज तो चलो मौसम सही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जो चूलगिरी नहीं आया। तो अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।